ओके कमल जी, नीरज झा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन। बाकी लोग अपने आते रहेंगे। ओके सर। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रेंज के ऊपर। हम डिस्कस करेंगे। ओके कमल जी, अब दे दूंगा मैं। ओके हम ओके सर। डिस्कस कर रहे हैं रेंज के ऊपर। सबसे पहले हम डिस्कस लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, और लास्ट क्लासेस में हम बताया था आपको किस तरीके से आप एक्सेल की जो बाकी चीजें हैं उसके बारे में कैसे जानोगे, उस चीज के बारे में। आज हम आपके पास सीट्स के बाद हम रेंज के ऊपर बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर रेंज को कैसे कॉल करेंगे। किसी पर्टिकुलर रेंज को कॉल करने के लिए हम यहाँ डालते हैं रेंज, और यहाँ हमने बोला A1.select। तो किसी रेंज पे, किसी भी सीट के रेंज पे हमें क्लिक कर दिया जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, जैसे सेल्स 1.1, इसको इसको R1 सीवर रेफरेंस स्टाइल बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या है, हमने अल्फा न्यूमेरिक डाल रखा है, और नीचे जो आपका है वो है सेल्स 1.1.सिलेक्ट, मतलब कि एक रो एंड पहली रो एंड पहले सेल को सिलेक्ट करेगा। तो दो तरीके से सेल्स को लिख सकते हैं। एक तो हमारा रेंज है A1 B1 C1 जो है वो आप ले सकते हो, दूसरा हमारा रेफरेंस स्टाइल है उसको आप ले सकते हैं। अब इसमें एक और चीज आती है कि अगर अभी जो इस कोड को हम अप्लाई करेंगे तो सिर्फ जो हमारा एक्टिव फाइल का एक्टिव सीट का जो रेंज A1 होगा उस पे ले जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर सीट के किसी पर्टिकुलर रेंज पे ले जाने के लिए तो कैसे ले जाएंगे, तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले शीट, और यहाँ पे हम देंगे शीट, सॉरी दो दो शीट 2.select, और उसके बाद फिर हम देंगे रेंज A1.select। ध्यान रखिएगा, आप एक साथ नहीं लिख सकते हो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि इस तरह से नहीं लिख सकते हो, क्योंकि मेथड है कि आप एक साथ बोलोगे कि इस तरह से लिखोगे तो एक गलत हो जाएगा, ये आपका वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिलेक्ट क्या है, हमारा मेथड है, और मेथड में प्रॉपर्टी जो भी पाथ है 1 by 1 देना पड़ता है, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। सेम अगर किसी पर्टिकुलर फाइल की है तो आपको ऊपर में फाइल देना पड़ेगा कि बार बुक्स, और यहाँ पे जैसे हमने book1.xls एम कर दिया, एक्स कर दिया, जो भी कर लिया आपने, एंड डॉट सेलेक्ट। ओके ठीक है, डॉट सेलेक्ट, सिलेक्ट नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ एक्टिवेट होता है, ये सिलेक्ट नहीं होता है। ये तरीका ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, किसी माने अगर आप डिफरेंट डिफरेंट शीट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट फाइल में अगर नेविगेट कर रहे हैं तो इस तरह का चीज अप्लाई होता है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है, और नेक्स्ट आता है कि अगर मान लीजिए मुझे एक से ज्यादा सेल सिलेक्ट करनी है तो कैसे करेगा, एक से ज्यादा सेल्स को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा अगला चैप्टर है।
तो उसके लिए है कि मैं यहां पे लिखूंगा रेंज ए वन से ये क्या हमारा आई सिक्सटीन, यहां पे हो जाएगा I-16। आई सिक्सटीन। एक तरीका ए है, देखिए हमारा एक्सेल का तरीका है, ये हमारा एक्सेल का तरीका है, वीवीए का तरीका नहीं है। लेकिन हाँ वीवीए में वर्क करता है, लेकिन वीवीए कंसेप्ट नहीं कहा जाता है। वीवीए कंसेप्ट कहता है कि आप यहाँ पे रेन ए वन कॉमा आई सिक्सटीन, सॉरी आई सिक्सटीन, ए वन कॉमा आई सिक्सटीन, इस तरह से अलग अलग लिखे, ठीक है, रेंज ए वन कॉमा आई सिक्सटीन, इस तरह से आप अलग अलग लिखे। अब इसका आप बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन होता है, ये क्या करता है कि यहां पे क्लिक करेगा और शिफ्ट के साथ हम यहां पे क्लिक करेंगे, इस तरह से सिलेक्शन करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कुछ सिलेक्ट करना है कि मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसको करना वन बाय वन, कि इसको करना चाहता हूँ, इसको करना चाहता हूँ और फिर इसको करना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में लिखेंगे यहाँ रेंज इन्वर्टर को आने ए वन कॉमा सी वन कॉमा डी वन डॉट सेलेक्ट, ठीक है, ए वन कॉमा सी वन कॉमा डी वन डॉट सिलेक्ट, इस तरह से यहां लिखेंगे, क्लियर है। यस सर। लेकिन मुझे बात करता हूं कि मुझे पूरा सिलेक्ट करना है, मतलब कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट ऑल के लिए यहां लिखेंगे रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट, ए वन करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरा सीट को सिलेक्ट करना, पूरा सीट को सिलेक्ट करना, तो यहां हो जाएगा सेल्स और सेल्स में सेल्स डॉट सिलेक्ट कर देते हैं, सेल्स डॉट सिलेक्ट करेंगे तो पूरा सीट को सिलेक्ट कर, ठीक है। ओके सर। सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये सेल्स डॉट सिलेक्ट कौन क्या कर रहा है, मतलब ये पूरे सीट को सिलेक्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्सर मूविंग की, जैसे कि हम लोग करते हैं कि यहां से नीचे यहां आ जाते हैं, कर्सर हमारा ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से आता है, राइट, कैसे आता है इसके लिए हम करते हैं कंट्रोल एंड डाउन एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, राइट एरो। तो इसके लिए क्या करोगे कि मैं सबसे लास्ट में जाना चाहता हूं, मैं सबसे लास्ट में से कर्सर को ले जाना चाहता, तो उसके लिए लिखेंगे हम यहां पे रेंज ए वन डॉट एंड, और यहां पे हम आता है एक्सल डाउन डॉट सेलेक्ट, तो लास्ट फिल मिल जाता है, मतलब कि लास्ट जो हमारा फिल एरिया है, लास्ट जो वैल्यू है, लास्ट वैल्यू पे ले जाता है। लेकिन मैं बहुत बात कहूं कि मुझे लास्ट वैल्यू पे नहीं चाहिए, मुझे लास्ट इस पे चाहिए, लास्ट सेल पे चाहिए, लास्ट अनवैल्यू पे चाहिए, मतलब मुझे कुछ एंट्री करनी है सबसे लास्ट में, तो जो लास्ट ब्लैंक है उस पे चाहिए, प्लस वन करना पड़ेगा इसमें। हाँ, जैसे कि हम कंट्रोल से डाउन एरो करते हैं तो कर्सर यहाँ आता है, अब इसके नीचे एक कर्सर लेके जाना है, तो उस केस में करेंगे राइट क्लिक रेंज, हम बोलते हैं ए वन डॉट एंड, एंड तो रहेगा ही और एक्सल डाउन भी रहेगा, और यहां पे हम ऑफसेट लगाएंगे, ऑफसेट में बोलेंगे कि रो नीचे एंड जीरो कॉलन डॉट सिलेक्ट, तो ए क्या करेगा डाउन जहां तक जाएगा, उसके बाद ऑफसेट क्या करेगा उस लोकेशन से एक रो नीचे की तरफ लेके चला जाएगा, एक रो नीचे की तरफ
लेके चला जाएगा यहां से। सर हाँ बोलिए हेलो सर, कमांड। सर ये जो ऑफसेट फंक्शन है ये सिमिलर है जो मतलब एडवांस एक्सेल में यूज करते थे और यहाँ पर यूज करते हैं, नहीं सिमिलर है कि डिफरेंट होता है यहाँ पर? सिमिलर है लेकिन एक क्या करता है, कर्सर मूव करता है। जैसे मेरा कर्सर यहाँ है, मैं यहाँ से ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं मूव करना चाहता हूँ, तो इसका ऑफसेट का इस्तेमाल। तो वो उसमें भी तो वही करता था मतलब वो भी वो तो रेफरेंस देता था देता था ना, उसे रेफरेंस देता था। हाँ, इसमें दो ही पैरामीटर रहे हैं, एक जो आपने एक लिया है और एक जीरो लिया है हाँ रो व्हिच एंड इज रो कॉलम। और कॉलम, तो बस इसमें यही दो होते हैं हाँ यही कि दो, आगे भी मत। नहीं यही दो अच्छा होते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है अब इसमें अगली सेल अगली जो है वो है कि अब यहाँ हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसके मतलब कि इसमें एक दिक्कत आती है कि बीच में कहीं ब्लैंक हुआ तो फिर मेरा डेटा यहीं पर रुक जाए, इसके नीचे नहीं आए। क्या कंट्रोल के साथ हम पेज डाउन ये डाउन एरो करेंगे तो यहीं पर नजर आएगा ना, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में मैं बोलता हूं कि मैं नीचे से ऊपर जाऊं, नीचे से आना पड़ेगा। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए मैं लिखता हूं कि भाई नीचे का हो सकता है कि 10 लाख है, लेकिन मैं यहां पे बोलता हूं कि ए 65 हजार, या अपने हिसाब से कोई एक नंबर ले लीजिए आप, सेल नंबर डॉट एंड, और मैंने बोला एक्सेल इज अप। हाँ नीरज जी, वही लिंक होगा, वही लिंक होगा, दूसरा लिंक नहीं है। उसको कॉपी कॉपी करके किसी और ब्राउजर पे ले जाओ ना। डॉट सिलेक्ट या ऑफसेट जो करना चाहते हो कर सकते हो, समझ गए? लेकिन हम लोग करते हैं ना सिलेक्शन, मान लो कि डेटा हमारा अगर फूटा हुआ है तो हम लोग एक काम और करते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम लोग राइट एरो एंड डाउन एरो यूज करते हैं। तो ये कैसे करेंगे वीवी के थ्रू? तो इसको करने के लिए लिखेंगे हम रेंज A1 स्टार्टिंग है, और हमने लिखा कि रेंज A1 से डॉट एंड एक्सेल टू राइट डॉट सिलेक्ट। ठीक है, तो एक इसमें थर्ड पे आया, हमारा इसमें थर्ड पे, तो इसमें जो मैं बोला था ना कि एक स्टार्टिंग होता है और एक एंडिंग होता है। A1 हमारा स्टार्टिंग हो गया, एंडिंग के लिए मैंने यहां पे इसको डाल दिया। हमने यहां पे क्या किया हुआ, दो कोड को यहां पे कंबाइन किया। सर ये रेंज जो आपने दोबारा लिखा है इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो सर। कौन सा रेंज? ये जो रेंज, एक तो आपने इन्वर्टेड कॉमा A1 से करा है, फिर उसके बाद रेंज लिखा है, फिर दोबारा A1 को। मैंने बोला कि मुझे ये पूरा एरिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो A1 तो स्टार्टिंग है, एंडिंग हमें पता नहीं क्या है। मैंने बोला कि एंडिंग जो है वो कंट्रोल के साथ राइट एरो यूज करो, जहां कर्सर जाता है वो एंडिंग है। तो ठीक है सर। हमने यही डाल दिया कि स्टार्टिंग हमारा A1 है और एंड के लिए हमने यहां पे ए एक्सेल एंड टू एक्सेल टू राइट, जो कि ऊपर में बताया था ना डाउन और एरो के लिए, वही इस्तेमाल करेंगे। तो एक ही फंक्शन से आपने दो फंक्शन से ए बना दिया। हाँ, दो कोड को यहाँ पे कंबाइन कर दिया मैंने। ठीक है सर, ठीक। अब जैसे कि ए हो गया हमारा, अब मुझे इसके नीचे लेके आना है, तो ये तो सिलेक्ट कर रखा है, तो मैंने क्या बोला कि रेंज स्टार्टिंग जो है वो है हमारा सिलेक्शन, और हमने बोला कि सिलेक्शन डॉट एंड एक्सल डाउन डॉट सेलेक्ट। तो दो कोड लिखेंगे तो जाके यहां पे ये पूरा डेटा सेलेक्ट करेगा। अब बोलोगे कि सर इसके लिए तो मैंने ऊपर एक करेंट रीजन बताया हुआ है, तो
फिर हम ब्रेन रीजन छोड़ के इसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो इसलिए यस सर क्योंकि यहाँ पे इस तरह के डेटा हो सकता है, ठीक है? तो क्या होगा, कंट्रोल ए पूरा लेगा। अगर मान लीजिए मैं डिलीट भी कर देता हूँ ना इसको, मान लो मैंने इसको डिलीट कर दिया, फिर भी कंट्रोल ए जो है मतलब फिर भी पूरा रीड लेता है कंट्रोल ए। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं। लेकिन सेम प्रॉब्लम आएगी जो कि मैंने आपको यहाँ ये पैसेज वाला मेथड समझाया कि बीच में कहीं ब्लैंक हुआ, यहाँ बीच में कहीं भी ब्लैंक हुआ तो उस केस में हम लोग एक मेथड इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे आर इक्वल टू रेंज ए 65,000 डॉट एंड, और हमने यहां पे एक्सेलस अप लिया, एक्सेलस अप इक्वल टू रो। तो एक लाइन क्या करेगा, ये लाइन करेगा कि नीचे से ऊपर जाएगा और लास्ट रो जो है लास्ट रो की जो रो नंबर है 16, वो 16 आर पे स्टोर करेगा। तो फिर हम सी इक्वल टू सेम करेंगे रेंज एक्स एफ डी 1 डॉट एंड, और हमने बोल दिया एक्सएल टू लेफ्ट डॉट कॉल। ये क्या करेगा कि सबसे लास्ट में जाएगा, यानी एक्स एफ डी वन, यहां से लेफ्ट एरो प्रेस करके जो आए जहां रुकेगा कर्सर उसका कॉलम नंबर जो है वो कॉलम नंबर सी पे स्टोर। तो हमें क्या पता चल गया, हमें स्टार्टिंग में वो पता है, क्या सर? हमें स्टार्टिंग ए वन पता है और एंडिंग का रो एंड कॉलम पता है कि भाई 16वां नंबर रो और इसका जो नंबर है आपका 9 नंबर कॉलम। तो फिर मेरा में रेंज हमने बोला ए वन, और हमारे एंडिंग में तो हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, न्यूमेरिक ही है 16 नंबर और 9 नंबर, 16 नंबर रो और 9 नंबर कॉलम। रेंज वैसा लेना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में लिखेंगे सेल्स, सेल्स क्योंकि बता दें यहां पे ना सेल्स सेल्स वन कॉमा वन, सॉरी यहां पे हो जाएगा आर कॉमा सी डॉट सेलेक्ट। ये आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन का डेटा है रेंज। प्रधान जी क्या हुआ, काफी लेट आया आप? सर इंटरनेट नहीं चल रहा था। ओके, तो आज मैंने सिखाया कि आप अपने एक रेंज को एक एरिया को कैसे सिलेक्ट करेंगे, और हमने बताया डायनेमिक सिलेक्शन। डायनेमिक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के आपको पिवट लगाना है, आपको फिल्टर लगाना है, आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, चार्ट बनाना है। तो आपको ये देखना, ये आपको करना पड़ेगा कि जितना आपका डेटा है उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करें, जो डेटा है आपका उस डेटा को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करें। तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने का मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए वाला मेथड बताया। मैंने यहाँ पे ये जो कंट्रोल के साथ जो हम एरो की इस्तेमाल कर दी वो हमने बताया, और ये हमने डायनेमिक बताया कि किस तरह से लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम को निकाल के आप अपने रेंज को यूज कर सकते, ठीक है? अमोल जी, कमल जी, प्राण जी, समझ में आया? तो यस सर ठीक। ये कोड मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, ठीक है सर? आप लोग ओके इसकी सर प्रैक्टिस करें, और अगली क्लास जिसमें हम आपको बताएंगे किसी पर्टिकुलर रेंज को डेटा कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब किसी रेंज पे हम डेटा कैसे लेते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? हेलो सर, रीच नोट करने के बाद में कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? बताएंगे सर, अभी फिलहाल जो ऑप्शन बताया उसको तो देख लीजिए ना आप। क्योंकि तो रेंज पे हम ये देखो, ये चीज हमने सबसे पहले इसलिए बताया क्योंकि तो रेंज पे कुछ भी करने से पहले
रेंज के ऊपर कुछ भी करने से पहले हमें सिलेक्शन करना होता है, क्या बोल रहे हैं, हमें कॉपी करना है, हमें फिल्टर लगाना है, हमें फॉर्मेटिंग करना है, ये एनीथिंग हम करना चाहें इसके लिए हमें अपने डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। विदाउट सिलेक्शन कुछ कर सकते हैं आप ना? सिलेक्शन कॉपी कर सकते हैं ना, कुछ अप्लाई कर सकते हैं ना, कुछ भी नहीं कर सकते। तो डेटा को ऑटो कैसे सिलेक्ट किया जाए, डेटा को ऑटो कैसे सिलेक्ट किया जाए, सबसे पहला ये चीज आपको सीखना जरूरी है ना, तभी तो आगे की चीज सीखोगे आप। क्या बोले प्रेमकांत जी? ठीक है, नहीं कल वो ऑटोमेटिक वो देख रहा था सर, कैसे कौन कौन सा फंक्शन होता है वीबीए में मैक्रो के थ्रू, उसी में रेंज डॉट करके आ रहा था। वो बताएंगे आपको, सारे फीचर्स बताएंगे, चिंता मत कीजिए, लेकिन उसके लिए आप अवेलेबल नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है सर। वो ऐसा कोई कोड मुझे काइंडली गाइड कर सकते हैं कि एक फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स हों एक्सेल की, वो सारी अटैच हो के ईमेल हो जाए? यही मैं भी पूछ रहा था सर। इसके लिए आपको 10 बजे वाली क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो सर भेज दें 10 बजे, आज करवाएंगे उसमें सर? हाँ आज 10 बजे आप लोग, हालांकि टाइम नहीं है कराने का, लेकिन क्या बोल रहे हैं ना, उसकी बहुमत हो गई है, इसलिए टॉपिक की बहुमत आ गई है। अच्छा ठीक है सर, हमें लिंक भेज दीजिए, हम 10 बजे जाएंगे। सर 10 बजे वाली क्लास अटेंड कर लेंगे, आप भेज देना लिंक। ठीक है, मैं सबको लिंक भेज दूंगा, जो भी चाहे कर सकता है, लेकिन मैं पहले बता दूं चीजें बहुत कम समझ में आएगी क्योंकि काफी ज्यादा एडवांस है।